हेलो गाइस, वेलकम टू माधुरीज किचन। आज की जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो है उपवास का डोसा और है उपवास के वड़े। तो देखते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये है साबूदाना और उपवास के चावल, आलू, नमक, ये हमारे साबूदाने जो मैंने रात को भिगोए थे, मिर्ची, जीरा और ऑयल। आज हम दो रेसिपी बनाने वाले हैं। एक है ये साबूदाने का डोसा और दूसरा है साबूदाने के वड़े। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो ग्राइंडर है इसमें ये पूरा जो साबूदाना हमने रात भर भिगोया था अच्छी तरह से, इसे हमें ग्राइंड करके लेना है। इसमें हमें मिर्ची डालनी है और जीरे डालने हैं। इसकी एक स्मूथ पेस्ट हम बना लेंगे। इसमें हम यहाँ पर 1 स्पून जीरा डालेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर मिर्ची डालेंगे। आप जितना तीखा पसंद करते हो आप उस बेस पे डालो। मैंने यहाँ पे 3 मिर्ची डाला है, हम लोग तीखा खाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डाला है मिर्ची। अभी हम इसकी एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। देख सकते हो इसमें थोड़े थोड़े साबूदाने दिख रहे हैं। हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, 3 to 4 स्पून। चलिए पानी डालते हैं। मैंने इसमें ये थोड़ा सा पानी डाला है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी आप देख सकते हो मैंने इसकी स्मूथ पेस्ट बना दी है। अभी हमें इसे क्या करना है, हमें इसे थोड़ा सा मैशर से मिक्स करना है ताकि ये और स्मूथ हो जाए। जो भी इसमें लम्स होंगे या जो भी कुछ होगा वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ऐसे ही आपको इसे रोटेट करके हिलाते रहना है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हमें स्टेयर करना है अच्छे से। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। इसके बाद हमें इसे स्टेयर करना है अच्छे से। ऐसे ही आपका आटा दिखना चाहिए जो कि दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो मेरा पैन गर्म हो चुका है। हम इसमें क्या करेंगे, ऑयल के थ्रू हम इस पैन को लगाएंगे ताकि हमारा डोसा नीचे चिपके नहीं। ऑयल डालने के बाद आपको इतना लेना है आपके पल्ली में और आपको इस यहाँ पे डालना है। जैसे आप डालते हो उसके बाद आपको ऐसे गोल बनाना है। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से पक रहा है साइड से। आप देख सकते हो मेरे डोसे साइड से अच्छी तरह से पक गए हैं। अभी मुझे इसे पलटना है ताकि मेरा डोसा क्रिस्पी हो जाए। आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा दिख रहा है और बहुत क्रिस्पी हो गया है। अभी हम इसे थोड़ा थोड़ा साइड से प्रेस करते जाएंगे ताकि मेरा डोसा उपवास का डोसा
क्रिस्पी हो और खाने में बहुत अच्छा लगे। मेरा डोसा अच्छे से पक चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। अभी हमने ग्राइंडर में 4-5 मिर्ची और कुछ जीरे लिए हैं। इसे हम अभी एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। एक प्लेट में हमने साबूदाना निकाल दिए हैं। अभी जो स्मूथ पेस्ट हमने बनाई थी मिर्ची और जीरे की, वो हमें इसमें डालना है। अभी हम यहाँ पे बॉईल आलू लेंगे। आपको आलू इसमें मैश करने हैं या फिर आलू आप पीस के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आलू डालने के बाद आपको इसमें थोड़ा नमक डालना है स्वाद अनुसार। इसके बाद आप सारे साहित्य को एक साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप हाथ में थोड़ा तेल लगाइए और आपको इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं और इसे आपको चपटे करके एक वड़े बनाने हैं, शेप देना है साबूदाने के वड़े का, जो कि मैंने सर्कल में रखा है। इसे आप देख सकते हो मेरा ऑलमोस्ट वड़ा बन चुका है। अब मैंने इसे प्लेट में सर्व किया है। वैसे ही बाकी के मैं बनाते जाऊंगी वड़े। ऐसे ही वड़े आपको सारे बना लेने हैं। आप देख सकते हो मेरे ऑलमोस्ट वड़े बन चुके हैं। मैंने पैन में तेल गरम करने के लिए रखा है। जैसे ही आपका तेल गरम हो जाता है, आपको इसमें एक साबूदाना टेस्टिंग के लिए डालना पड़ेगा। जैसे आपके साबूदाने में बबल्स आते हैं, आपका ऑयल गरम हो चुका है। आपको एक वड़ा उठाना है और आहिस्ता इस तेल में डालना है। अब गैस फास्ट रखें। ऐसे करके मैंने यहाँ पे फिर से एक वड़ा डाला है तेल में। 3 वड़े हम डालेंगे। अभी जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता, ये क्रिस्पी नहीं हो जाते, तब तक हमें इसे हिलाना नहीं है। अभी देख सकते हो आप, मैं इसे अभी पलटने वाली हूँ वड़े को। ऑलमोस्ट मेरा एक साइड से वड़ा पक चुका है। आपको इसे पलटते रहना है। आप देख सकते हो मेरे वड़े का कलर चेंज हो गया है। अभी हम इसे निकालेंगे और एक प्लेट में सर्व करेंगे। वैसे ही बाकी के वड़े आपको निकालने हैं। आप देख सकते हो मेरे वड़े का जो आवाज है बहुत क्रिस्पी आ रहा है।
और इसे ही हम अभी प्लेट में सर्व करेंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम बंद किया है और ये वड़े बहुत ही मस्त दिख रहे हैं और टेस्टी भी हैं। सजा दी है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे डोसे और साबुदाने वड़ी विद कर्ड के साथ रेडी। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, माधुरी किचन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाय। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। बाय।